क्या हाल है भैया? वेलकम जी। भैया नाम बताइए आपका। मेरा नाम अभिजीत है। भैया का नाम अभिजीत है। चैनल है मेरा टैलेंट टेल्स के नाम से। टैलेंट टेल्स। हाँ जी सर, देखिए एक बार, ये रही हमारी आइडेंटिटी। ये भैया की आइडेंटिटी है। भैया ने जो मार्किंग का लोगो बनाया वो अच्छा बनाया, तो भैया के चैनल पे जाइएगा, भैया को प्यार कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। प्यार करना मतलब वो तरीके से नहीं, प्यार कीजिएगा सपोर्ट करके। तो भैया मेरा जो नेचर है ना वो हंसी मजाक वाला है, तो बुरा मत मानिएगा। पर हमको बहुत अच्छा लगता है इनका जो नेचर है। पिछले एक दिन से मैं इनके साथ हूँ और कैंपिंग कर रहा हूँ अलग अलग लोकेशंस पे। बहुत मजा आ रहा है सर के साथ में, और इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये जो नए लोगों से भी मिलते हैं, ये इनका बड़प्पन ही है कि हमको बताते हैं कि कैसे नई चीजें आपको करनी चाहिए, क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कैंपिंग के अंदर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, एंड मैं इनको थैंक यू कहना चाहूंगा इस चीज के लिए स्पेशली। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने हमें रेस्पेक्ट दी, यही हमारे लिए काफी है। नमस्ते भाभी। तो ये कुछ सेटअप है, आप देखिए भैया का सेटअप। फिलहाल ये पोर्शन जो होता है वो लेडीज संभालती हैं, तो भैया आगे की जिम्मेदारी संभाल रही है और किचन की जिम्मेदारी भाभी संभाल रही है। वाह गजब। देखो स्लाइडिंग का किस तरह से यूज किया गया है ना, यही होता है कि आप देख के पहले तजुर्बा लें और उसके बाद में काम कराएं। गजब भाभी, ये डबल बर्नर है ना? जी हाँ, ये डबल बर्नर। ये डबल बर्नर गैस है। वाह, ये देखो जी जी जी। हाँ, ये तो ओपन होता ही होता है, ये ऐसे खुल जाए ताकि आज और किसी बर्तन पे या बॉक्स वगैरह पे नहीं लगे। ओके ओके ओके। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें, ये हमारा सिलेंडर, ये कॉम्पोजिट सिलेंडर है, ये फायर प्रूफ सिलेंडर है। ये भाई है अपना छोटा भाई, मजे मारना है जयपुर से। यहाँ पे जयपुर से ना, जयपुर से आया। अच्छा लगा, लोगों को ना अपना एंटरटेन करना है, अपनी लाइफ को जीने का पूरा हक है, तो सच में होना चाहिए। हाँ, जरूरी जीना भी चाहिए, ये होना है। बस ओवर लैंडिंग करते हो या ऐसा कुछ करते हो तो आप अपने चिल अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए भी कर सकते हो। भाई जीवन में वैसे ही बहुत सारी दिक्कतें है, एक चिल मारो, बढ़िया आओ पहाड़ों के अंदर। मारने का मतलब समझ रहे हो ना? गलत नहीं, कुछ नहीं, वही समझाना चाह रहा हूँ। चिल बियर से ही नहीं मारा जाता है, जीवन को जिया भी जाता है तो उसे भी चिल कहते हैं। यहाँ ठंडी ठंडी हवा, चिल्ड हवा चल रही है। ये अच्छा है अंकल, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो दिल से कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा होना भी चाहिए, कोई अगर स्पिरिट है तो यो उसको दिखाओ आप किसी के लिए। वो अगर एक अलग बात है कि आपको क्या मिलता है, बदले मत सोचो कोई हमें बदले में कुछ देगा, वो बात की बात है, कोई दे या ना दे, लेकिन आपका जो मन है वो मन से करो। अच्छा अंकल, मैं अभी सीधे सुनाऊं सर, ताजा। राम राम भैया। हंडोरे भैया का हमारी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका हंडोरे परिवार में स्वागत है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। देखो कितना अच्छा लग रहा है साथ। पता नहीं जीवन में मैं इन लोगों से मिलता या नहीं भी मिलता, लेकिन ये एक बहाना मान लो या फिर एक समय मान लो या फिर मेरा नसीब मानो। राम राम। नमस्कार अंकल जी। घूमना फिरना फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अरे अंकल आपको कौन नहीं जानता। आप बताओ, आपने आलू पूरी से पूरी महफिल लूट दी। अरे वो तो आंटी की थी। देखो वो चाहे देखो, बनाई तो आपने थी, समझा तो अंकल रहे थे। क्रेडिट दोनों का जाना चाहिए, है ना? आज मैं बनाऊंगी डोसा। भाभी बनाने वाली है डोसा, मतलब आपको यहाँ पे हर एक वैरायटी मिलेगी, हर एक स्वाद मिलेगा। आलू तड़का खाना है, कहीं डोसा खाना है, पानी पूरी तक यहाँ मिलेंगी। देख लो इतनी वैरायटी है यहाँ पे, मजे हैं यहाँ पे। मतलब मजे क्या, ये एक लाइफ है, जीवन है, इसको जिया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं सब धीरे धीरे करके। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हमने अपने स्वाद को पीछे नहीं छोड़ा है, हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं जी। ये डोसा आप सभी लोगों के लिए। तो शाम हो चुकी है और टाइम हो चुका है शाम के खाने का, तो श्रीमती जी बना रही हैं। क्या बना रहे हैं श्रीमती जी? मैं आलू टमाटर की सब्जी को भी भंडारे वाली। तो आज ना नाम सुनते ही सब्जी का मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो श्रीमती जी बना रही हैं आलू टमाटर की सब्जी, वही भंडारे वाली। देखो मेरे मुंह देखो कैसे पानी आ रखा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनती है यार, श्रीमती बहुत अच्छी बनाती हैं। तो पूछता हूँ उसके साथ पूरी बनाएंगी या क्या बनाएंगी? देखो वैसे तो पूरी बननी चाहिए, आई होप सो, कुछ और ना बनाए। तो उसके साथ क्या बनाओगे और? वाह 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 वाह। तो अरे वाह भाई वाह। आज देखो एक तो पहले ही यहाँ फेस्टिवल चल रहा है कैंपिंग का, और ऊपर से आलू टमाटर की सब्जी, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कोई फंक्शन होता है ना, तो उसमें आलू टमाटर की पूरी चलती है, भंडारा होता है, ये भंडारे वाला सीन पूरा आ रखा है। मतलब देख रहे हो पीछे, देखो पूरा भंडारे का सीन आ रखा है भाई साहब, ये देखो।
कुछ लाइट्स ऑन कर दी है मैंने, फेरी लाइट जला दी है और एक पीछे की लाइट जला दी है, खाना बनेगा। तो लाइट जलाने के बाद कुछ ऐसा सेटअप दिख रहा है अपना, बहुत जबरदस्त मजा आ रखा है सेटअप में। भाभी मैक सुन के आ गई है, मैक पहुंच गया वहां तक, तो देख लो जी जलवा चल रहा है बरकरार। देखो ये प्यू भी लग गई है पूरी बनाने के लिए, जैसा उसकी मम्मा करती है ऐसे सेम करती है। तो दोस्तों खाना वगैरह हमारा बन चुका है, पीछे हमारी जगमगाती कैरावैन आपको दिख रही होगी, ये देखो। और खाना बनके कंप्लीट हो चुका है, अब खाना खाएंगे। और ये कपिल भाई ने जो ये मीटअप कराया है, इस मीटअप पे आके बहुत से लोगों से जुड़ने का जो मौका मुझे मिला उसके लिए कपिल भाई का तहे दिल से धन्यवाद। और वो भी आए, दो बार मिलके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ लर्निंग प्रोसेस भी होता है, जो आप यहाँ पे आएंगे और लोगों से मिलेंगे, अलग अलग सेटअप देखेंगे कि आपने क्या किया है, दूसरा क्या कर रहा है, कुछ एडवांस है अगर आपसे ऊपर कोई है, या मतलब कोई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई इक्विपमेंट है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है, तो आप वो भी देख के यहाँ से सीख सकते हैं। और कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपकी कैरावैनिंग में बहुत ही कारगर होगा। और कैरावैनिंग के लिए मीटअप करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या आदमी एक दूसरे से रूबरू होता है, इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के और पास आता है। रेसिपी का मेनू पूछ सकते हो। ये भैया ने अनानास का हवाई जहाज बना रखा, ये देखो। और ये कह रहे टेस्ट करो, मतलब या तो दाल में काला है, या दाल काली है, या दाल में नमक भी तेज है, कुछ ना कुछ तीनों में से एक है। तो भाई आपको ये पहले टेस्ट करना पड़ेगा तो, और देख के बताना। भाई कह रहे टेस्ट करो, रिएक्शन लेना है। भाई साहब जबरदस्त, अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हैं बनाने वाले।